मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आज आपको सिंधु घाटी की कला के बारे में बताऊंगी, जो कि कला के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। मैं डॉक्टर अर्चना चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला विभाग, SSTPC PG कॉलेज रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल EDU रेन में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलते हैं सिंधु घाटी की कला की ओर। सिंधु घाटी की सभ्यता प्राय 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की उस सभ्यता तक पहुंचने से पूर्व उसने कई और स्थानों पर भी अपनी सभ्यता के चिन्ह छोड़े हैं। कालांतर में उसे तांबे, कांसे और लोहे की धातु का ज्ञान हुआ। उस काल में तांबे का प्रयोग उत्तर भारत में तथा लोहे का प्रयोग दक्षिण भारत में प्राय होता था। अब वह पत्थर के स्थान पर धातु के बने औजार व अस्त्रों का प्रयोग करता था। परिचय। जिस प्रकार किसी राष्ट्र का साहित्य उसकी गौरवमयी परंपरा का प्रतिबिंब होता है, उसी प्रकार वहाँ के प्राचीन नगर एवं अवशेष वहाँ के गत वैभव के जीते जागते इतिहास होते हैं, जिससे इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि उस समय राष्ट्र की स्थिति क्या थी। ईसा से प्राय 2700 वर्ष पूर्व से लेकर 1700 वर्ष पूर्व के मध्य में सिंधु घाटी में एक उन्नत एवं समृद्ध सभ्यता का विकास हुआ। इस विस्तृत घाटी में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो दो प्रमुख नगर थे। घाटी के इन नगरों व अन्य ठिकानों पर पली सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। हिंदुस्तान की कहानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है। यह एक दिलचस्प बात है कि हिंदुस्तान की कहानी के इस उषा काल में हम उसे एक नन्हे बच्चे के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि इस वक्त भी वह अनेक प्रकार से सियाना हो चुका था। वह जिंदगी के तरीकों से अनजान नहीं है। वह किसी धुंधली और ना हासिल होने वाली दूसरी दुनिया के सपनों में खोया हुआ नहीं है, बल्कि उसने जिंदगी की कला में रहन सहन के साधनों में काफ़ी तरक्की कर ली है और ना महज सुंदर चीज़ों की रचना की, बल्कि आज की सभ्यता के उपयोगों और खास चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों को भी तैयार किया है। सभ्यता की खोज। प्रसिद्ध पुरातत्वविद श्री कनिघम ने 1878 ईस्वी में हड़प्पा के टीले की खोज की थी, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर टीले की खुदाई 1921 ईस्वी में श्री दयाराम साहनी के निरीक्षण में कराई गई थी और 1922 ईस्वी में श्री राखल दास बनर्जी ने सिंध के ललकाना जिले में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन का कार्य कराया। आज ये दोनों स्थान भारत विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा में है। वास्तु नगर विन्यास कला। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वास्तु एवं नगर विन्यास कला के श्रेष्ठ नमूने हैं। परिवहन मार्ग व गलियां सम कोण पर एक दूसरे से मिलती थी। हड़प्पा का मुख्य राजमार्ग 33 फीट चौड़ा था। सुरक्षा व धूल आदि से बचाव के लिए मकानों के सदर दरवाजे गलियों की ओर बनाए जाते थे, सड़क की ओर मुख्य मार्ग पर नहीं। पक्की ईंटों के फर्श होते थे। पानी प्राय कुओं से प्राप्त किया जाता था। खराब पानी के निकास के लिए आधुनिक शिविर के समान ही जमीन के अंदर नाली तथा चौबच्चे बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो से परकोटे व अटकालियों से युक्त दुर्ग, सार्वजनिक सीढ़ीदार गहरा जलाशय, राजप्रसाद, धान्यगार तथा सार्वजनिक भवन यहाँ उत्खनन में मिले हैं। यहाँ के भवन व नगर विन्यास से सिद्ध होता है कि यह नगर एक व्यापारिक केंद्र था। यह आश्चर्य की बात है कि नगर के बड़े व छोटे सभी भवनों पर कहीं भी कोई अलंकरण व उकेरी आदि नहीं बनी है। मूर्ति शिल्प। सिंधु घाटी से 11 मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें त्रिफूलिया अलंकरण वाले उत्तरीय को ओढ़े हुए एक दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति बड़ी सुंदर है। हड़प्पा से दो नग्न मूर्ति धड़गी मिले हैं, जिसमें शिल्पी की हद दर्जे की स्वाभाविक गठन के दर्शन होते हैं। पहला धड़ लंबत खड़े किसी व्यक्ति का है और दूसरा किसी नर्तक का। जैन मुनि विद्यानंद जी प्रथम वाले को आदिनाथ का मानते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त ताम्र की एक अद्भुत नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है।
दायां हाथ कमर पर तथा बायां हाथ जांगा पर रखे दिखाया गया है। इस मूर्ति में लय और गति का अद्भुत समावेश है और यह प्रभाव अंगों के चेहरेपन और तीखे नक्शे में अधिक उजागर है। पाषाण और ताम्र की मूर्तियों के अतिरिक्त अनेक मण मूर्तियां भी मिलती हैं। इनमें मूर्तियों के प्रफुल्लित व भयानक मुख दिखाए गए हैं। ये मूर्तियां संभवतः धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग में आती थीं। इसके अतिरिक्त सिर हिलाने वाले हाथी, गेंडा, सुअर, कुबड़ वाला बैल, सिलाई पर चलने वाले बंदर, सीटी वाली चिड़िया आदि सुडोलता व सजावट में अपनी सानी नहीं रखती हैं। नगरों के उत्खनन से कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला है कि यहाँ चित्रकारों ने भित्तियों या पट्टों पर स्वतंत्र चित्र संयोजन किया हो। उनकी कल्पना एवं भाव अभिव्यक्ति का परिचय तो उनकी मानव पशु आकृतियों के शिल्प एवं मोहरों से ही प्राप्त हो जाता है। फिर भी चित्रकारी का अनुमान मिट्टी के बर्तन भांडों पर बने असंख्य अलंकरण इकाइयों से लगाया जा सकता है। मिट्टी के बर्तनों पर बने इन चित्रित अलंकरणों को भांडा लेख भी कहते हैं। इन अलंकरणों में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, लहरियां, रेखाएं, कंघा, सूर्य, घिरियां, तारे, बाणमुख, चौफूलिया, चौपड़, मत्स्य शल्क, जाल, छोटे घरों की जालियां, कीरम काट, चौकोर, तिकोने, जयमती आकार, मछली, मोर, सिंगदार पशु, जलचर, फूल पत्ती आदि अनेक रूप बनाए गए हैं। मानव आकृतियों का अंकन बहुत कम होते हुए भी वे रोचक बन पड़ी हैं। यथा एक मछुआ अपने कंधों पर बहेगी लिए जा रहा है, एक शिकारी मृग का शिकार कर रहा है। मृदपात्रों पर चित्रित अलंकरण यानी कि मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण। बर्तन भांडों में नुकीली पेंदी के गिलास, कटोरिया, रकाविया, बोतल, बड़े संभ्रंड पात्र, शमशान पात्र, टोटीदार करवे, छिद्र वाले बर्तन तथा नन्हे बर्तन अच्छी चिकनी मिट्टी के बने मिलते हैं। इन्हें लाल पोत देकर पकाया जाता था। पात्र आलेखन में काले व श्वेत रंगों का अधिकतर प्रयोग किया गया है। यह आश्चर्य की बात है कि बर्तन भांडों पर कांच की ओप चढ़ाने की प्रक्रिया सबसे पहले सिंधु घाटी में ही पाई जा गई है। मेसोपोटामिया, सीरिया, मिस्र व पश्चिमी एशिया में ऐसे भी सुंदर प्रतीकात्मक अलंकरण नहीं मिल पाए हैं। मुद्राएं या मोहरे। सिंधु घाटी से 1200 से अधिक सेल खड़ी पत्थर की बनाई गई मोहरे कलात्मक रूपों व लेखों की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। ये करीब 1 इंच मोटी हैं। इनके पीछे प्राय एक अंगूठी नुमा उठान लगी रहती थी जिससे ये धागे में बांधकर भली प्रकार प्रयोग में लाई जा सके। मोहरे वर्गाकार, ढोलनाकार व गोल आकारों में प्राप्त हुई हैं। यदि देखा जाए तो सिंधु के सभी कलात्मक अवशेषों में मोहरे अपनी सानी नहीं रखती हैं। सिंधु घाटी से कुछ ताम्र मुद्राएं भी मिली हैं जो माप में 1.2 इंच × 0.5 इंच से 1.5 इंच × 0.1 इंच हैं। इन पर भी पशुओं की आकृति उत्कीर्ण है। कुछ विद्वानों ने इन ताम्र मुद्राओं को ताबीज की संज्ञा दी है। मोहरों पर उकेरित रहस्यमय चित्रलिपि अभी तक अपठित रही है। यहाँ से प्राप्त आभूषणों के मनकों पर ज्यामिति अलंकरण कमाल के ही बने हैं और विभिन्न आभूषणों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वे लंदन के ब्रांड स्ट्रीट से किसी आधुनिक जोहरी की दुकान से आए हों। सर जॉन मसल ने ठीक ही कहा है कि यहाँ साधारण नागरिक सुविधा और विलास का जिस मात्रा में प्रयोग करता था उसकी तुलना समकालीन सभ्य समाज के अन्य भागों से नहीं हो सकती। आइए चलते हैं निष्कर्ष की ओर। इस उन्नत कला में सभ्यता के समाप्त होने की कथा संशयों से भरी है। ये शांति प्रिय और समृद्धशाली सभ्यता निश्चय ही सहसा समाप्त हो गई, लेकिन वह अपने देवता, धार्मिक पूजा विधि और जीने की कला भविष्य की पीढ़ी को सौंपकर स्वयं अमर हो गए। धन्यवाद।